हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो का सीन कुछ ऐसा है कि आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो वैसे तो मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ की थी। सो जो फ्री एप्लीकेशन थी उनमें वाटरमार्क मिलता था ऊपर, और जो पेड एप्लीकेशन है उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा। सो यहाँ पर मेरे पास एक एप्लीकेशन जो मुझे मिली है ये बिल्कुल ही फ्री है और ओपन सोर्स है, और साथ में इसमें कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलता। सो इस एप्लीकेशन को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करें, आइए वो देखते हैं। सो आप कोई भी एक वेब ब्राउज़र का यूज़ कर लीजिए। सो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम का यूज़ कर रहा हूँ। सो कोई भी एक वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च बार में लिखना है OBS। इस सॉफ्टवेयर का नाम है OBS। सो आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर ये जो फर्स्ट लिंक यहाँ पर आ रही है OBS ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर, इसके बाद आप जैसे ही फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे सो यहाँ पर ये वेबसाइट लोड हो जाएगी। सो इसके बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन आ रहे हैं, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़, मैक ओएस या फिर लिनक्स। सो मेरे पास यहाँ पर विंडोज़ है, सो मैं यहाँ पर सिंपली विंडोज़ पर क्लिक कर रहा हूँ। विंडोज़ पर क्लिक करने के बाद ही ऑटोमेटिक यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो कि 71 MB की है। सो डाउनलोड होने के बाद मैंने पहले से ही ये डाउनलोड कर रखा है, सो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ। सो डाउनलोड होने के बाद वो आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाएगा। सो उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसे इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉलेशन इसका बिल्कुल फिनिश्ड हो चुका है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर फिनिश पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर ये लॉन्च हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं OBS का जो शॉर्टकट लोगो है वो यहाँ पर आ चुका है। आप इसको जैसे ही ओपन करेंगे इसका फर्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसा है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑप्टिमाइज फॉर स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग इज सेकेंडरी, या फिर ऑप्टिमाइज जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग आई विल नॉट बी स्ट्रीमिंग। आप अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्डिंग ही करनी है, मैं स्ट्रीमिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आप यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट टैप करेंगे आप जैसे ही। इसके बाद यहाँ पर आपके रिजोल्यूशन आ रही है डिस्प्ले के लिए। यहाँ पर आप जो भी डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ है आप उसको ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर अप्लाई सेटिंग्स। इसके बाद अगर अभी आप यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग है, अगर आप यहाँ पर अभी क्लिक करेंगे ये रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर ब्लैक डिस्प्ले है। इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको जाना होगा यहाँ पर डिस्प्ले कैप्चर पर। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली ओके पर आप जैसे ही टैप करेंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पैनल है इसमें जो स्क्रीन है ये यहाँ पर विजिबल होने लग गई है। इसके बाद आप जैसे यहाँ पर स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई है। जैसे ही मैं अभी थोड़ा सा रिफ्रेश करके आपको दिखाऊँ, इसके बाद जितनी भी ये वीडियो बनी है, अगर मान लो हमको ये वीडियो वापस देखनी है आप यहाँ पर जैसे स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे ये जो वीडियो है ये आपको मिलेगी वीडियोज़ के फोल्डर में। वीडियोज़ के फोल्डर में जाने के बाद अभी यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 28 है, तो 28 में ये वाली वीडियो है। आप इजीली यहाँ पर अपना आइडिया लगा सकते हैं। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर हमने ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर प्ले हो रही है, और ये MP4 में है। आप इस वीडियो को कहीं पर भी अब यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ मैं यहाँ पर जो मैंने स्टेप्स बताए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और यहाँ पर जो भी आपके इशू थे स्क्रीन रिकॉर्डिंग से रिलेटेड वो यहाँ पर सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।